नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। G20 की बैठक वाराणसी में आज से शुरू हो गई है और 13 जून तक चलने वाली इस बैठक का पहला सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष वीडियो के माध्यम से G20 के डेलीगेट्स को संबोधित करेंगे और बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वो करने वाले हैं। और वाराणसी के TFC में होने वाली इस बैठक में करीब डेवलपमेंट मिनिस्टर्स के साथ ही 200 प्रतिनिधियों के शामिल होने का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र चौबे इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं वाराणसी से। धर्मेंद्र चौबे, वाराणसी में शुरुआत इसकी हो चुकी है G20 की और ये भव्य तैयारियां वहां पर लंबे समय से चल रही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी संबोधन है, मुख्यमंत्री जो हैं वो भी मिलने वाले हैं जो यहां पर विदेशी मेहमान पहुंचे हैं और डिनर का भी ये रखा गया है आज का कार्यक्रम। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और इस कार्यक्रम में आज क्या कुछ रहने वाला है? उसको वाराणसी में पहुंच चुकी है 20 देशों की जो डेलीगेट्स है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे पहुंचे हैं और सर्किट हाउस में इंतजार कर रहे हैं डेलीगेट का। इसके बाद डेलीगेट जो G20 की है वो पहुंचेगी नमो घाट से 3 क्रूज के माध्यम से। वो काशी का जो कहा जाता है विदेशियों का स्वदेशी अंदाज में स्वागत, वो काशी में देखने को मिलेगा। अतिथि देवो भव की जो परंपरा है काशी में वो पूरी तरह से निभाई जाएगी और उसके बाद गंगा घाट पे पहुंचेंगे दशाश्वमेध घाट पे, जहां पे गंगा आरती का वो लोग भव्य तैयारियां की गई है उसका अवलोकन करेंगे, गंगा आरती देखेंगे मेहमान। उसके उपरांत काशी का पूरा अवलोकन करते हुए होटल ताज गंगे में आएंगे और रात्रि के लगभग 8 से 9 के बीच में स्टेट डिनर का जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें शिरकत करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या विदेश मंत्री एस जयशंकर और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के दर्जनों ऐसे मंत्री हैं जो उसमें स्टेट डिनर में मौजूद रहेंगे। सचिन, बिल्कुल धर्मेंद्र चौबे, वाराणसी में ये G20 की बैठक ये होनी है और जिस तरह से आस्था का केंद्र है वाराणसी, आप बता रहे हैं कि एक झलक भारत की संस्कृति की वहां पर देखने को मिलेगी और जो विदेशी मेहमान हैं उनको भी इनसे रूबरू करवाया जाएगा, लेकिन कौन कौन से दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? अब तक कौन कौन से दिग्गज पहुंचे हैं, सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए सचिन, पूरी तरह से वाराणसी को किले की तरह सील कर दिया गया है। सुरक्षा की अगर बात करी जाए तो पुलिस कमिश्नर वाराणसी ने रूट डाइवर्जन कर दिया है, जिधर से डेलीगेट तो जिस रूट से जाना और जिस रूट से आना उसके साथ साथ तमाम जो VVIP मूवमेंट है होंगे वाराणसी में वो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। दोपहर के 12 बजे से और रात के लगभग 10 बजे तक सील रहेंगे जब तक कि डेलीगेट का मूवमेंट वाराणसी में होगा। उसके साथ साथ वाराणसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र के मंत्री मौजूद है और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मंत्री, पर्यटन के, एग्रीकल्चर के, वो तमाम ऐसे मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं जो अतिथि देवो भव की परंपरा नव्य काशी भव्य काशी की झलक दिखाने के लिए और अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाने के लिए वो पहुंचे हैं और स्वागत उसी तर्ज पे होगा क्योंकि स्टेट डिनर जो होगा उसमें अलग नृत्य का जो है आयोजन किया गया। उसके साथ साथ जब घाट पे पहुंचेंगे तो वहां काशी के जो नृत्य की परंपरा है, संस्कृति है, वो अलग तरीके से दिखाई जाएगी। जब दशाश्वमेध घाट पे पहुंचेंगे, गंगा आरती का अवलोकन करेंगे तो वहां अलग नृत्य और गंगा आरती का जो एक भव्य अलौकिक छटा है, जैसे देव दीपावली मानिए देवों का काशी में वास हो गया, उस तरीके से उस तर्ज से काशी को सजाया गया है ताकि काशी से अभिभूत हो के जो विदेशी मेहमान है जाए, क्योंकि स्वदेशी अंदाज में विदेशी मेहमानों का आज स्वागत होगा। सचिन, बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है G20 की ये बैठक और 13 जून तक शायद ये चलेगी, लेकिन आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी शाम के वक्त उनका टाइमिंग रखा गया है जब वो विदेशी मेहमानों से मुलाकात करेंगे, विदेश मंत्री अजय शंकर वो भी यहां पर रहेंगे, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत मेगा इवेंट है क्योंकि तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। आगे किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं इस G20 बैठक को लेकर? सचिन देखिए, आज जो है स्टेट डिनर और मेहमानों का स्वागत होगा, आतिथ्य स्वागत होगा। उसके बाद कल जो बैठक होनी है सुबह 9 बजे से लगभग बैठक चलेगी ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत भारत सरकार के और अन्य मंत्री होंगे जो कि विदेश डेलीगेट के साथ मीट में सम्मिट करेंगे, क्योंकि मीट का जो उद्देश्य है मोटे अनाज से लेकर विश्व व्यापार इकोनॉमिक
तमाम ऐसे मुद्दे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम ऐसे डेवलपमेंट है जिसको लेकर विश्व के 20 मंच ऐसे एक साथ बैठेंगे और उसका एक निचोड़ निकालने का जो प्रयास लगातार विश्व G20 देशों का जो ये सम्मेलन है उसमें एक जो सेंटर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि मोटे अनाज का सेंटर कहाँ होगा और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो विश्व में आर्थिक समस्याएं लगातार बढ़ते जा रही है, भुखमरी बढ़ते जा रही है और मेडिकल स्ट्रक्चर जो तमाम ऐसी कोविड के समय तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार पूरा विश्व हस्तप्रस्त रहा और भारत लगातार कई देशों को सहयोग किया। तो कहीं ना कहीं जो 20 देशों का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है ये अपने आप में अलौकिक और अद्भुत होगा सचिन। ठीक है धर्मेंद्र, आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी पल-पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाराणसी में G20 की बैठक आज से ये शुरू होने जा रही है जो आने वाले 13 जून तक चलेगी। विदेश मंत्री अजय शंकर इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इससे पहले विदेश मंत्री ने बुद्धिजीवियों के साथ चाय पर चर्चा भी की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। वाराणसी में G20 की बैठक आज यानी 11 जून से शुरू होने जा रही है जो आने वाले 13 जून तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने बुद्धिजीवियों के साथ चाय पर चर्चा की। वहीं इस मुलाकात से पहले एस जयशंकर दलित बूथ अध्यक्षा सुजाता धूसिया की आवास पर पहुंचे थे जहां उन्होंने नाश्ता किया। इस दौरान उनके साथ अन्य नेता और अधिकारी गण भी मौजूद थे। इस दौरान विदेश मंत्री ने मोटे अनाज को लेकर भी बात की। मोटे अनाज का मैसेज जो है आज से आप जानते हैं G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का जो लोग ये माने फूड सिक्योरिटी जो अनाज या ऊर्जा या खाद के विषय पे जो चर्चा आज होगी तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। और वही सपा सांसद डिंपल यादव अपने लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करने पहुंची है जहां पर उन्होंने मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए हैं। और वही लोगों को संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चरित्र हनन का राजनीति करती है और देश में लगातार बढ़ रही महंगाई स्वीकार नहीं करती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भी कह चुकी हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो ना लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दे रही है, ना हमारी बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा में ध्यान दे रही है, ना युवाओं के रोजगार पर ध्यान दे रही है, ना किसानों की जो गाय की समस्या है, जो नील गाय की समस्या खास तौर पे आप देखी जा रही है उस पर ध्यान दे रही है। लगातार इसमें गिरावट आ रही है और लोग बहुत ही उदासीन है। और सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री करीब 12 बजे वाराणसी पहुंचे हैं जहां पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, महापौर अशोक तिवारी सहित अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है और जिसके बाद मुख्यमंत्री टिफिन बैठक में शामिल हुए हैं। ये बैठक कैंट के कैलाश मठ में आयोजित की गई है। साथ ही सीएम योगी सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने फर्रुखाबाद में 191 करोड़ के पुल का शिलान्यास किया है और दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है और साथ ही व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सड़कों और पुलों की व्यवस्थाओं की और बेहतर करने का काम हम शुरू कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए अच्छे मार्ग बनाने की व्यवस्था भी हमारी जिम्मेदारी है जिसे हम पूरी तरह से निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी परियोजना यहाँ फर्रुखाबाद जनपद के लिए उसका शिलान्यास होने वाला है। 191 करोड़ की एक सेतु के शिलान्यास कार्यक्रम में आज मुझे यहाँ आना हुआ है और विभिन्न योजनाओं का भी यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा जो चल रही हैं फर्रुखाबाद जनपद में माननीय सांसद और माननीय विधायकगणों के साथ बिंदुवार चर्चा की गई है। और कानपुर देहात में रसूलाबाद तहसील क्षेत्र की तमाम शिकायतों पर कार्रवाई होने पर भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ये लगातार किया है। 15 दिनों से ये चला आ रहा है और आज अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और इसके बाद भाकियू कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। अगर तय समय सीमा के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदर्शन और भी उग्र रूप ले लेगा।
यहाँ पे अधिकारी आए और डीएम साहब ने एक कमेटी और टीम गठित कर दी है। अधिकारियों ने 10 दिन का समय मांगा है, हमने उनको समय दिया है। मंडल अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन पर आज से हम लोगों ने इस धरने को अभी स्थगित किया, खत्म नहीं किया है। जब तक इनको भी समय दे दिया है, हम लोगों का राष्ट्रीय शिविर जून इलाहाबाद में वहाँ पे हरिद्वार में होता, तो हम लोग वहाँ से आके पुनः इस धरने को पुनः इस पर रखेंगे। अगर इस पर काम नहीं होता, अगर हो जाता है तो किसान जय जयकार करेगा। किसान यूनियन का 25 मई से धरना प्रदर्शन चल रहा था, आज वह धरना स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने हमारी सभी अधिकारियों की उनसे वार्ता हुई है, जिसमें उन्होंने हमें उनकी जो भी परेशानियां थी उनसे अवगत कराया है और हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका एकदम गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाएगा। और वे सिर्फ 4 महीने के बाद राम की नगरी अयोध्या से विमान उड़ान भरने लगेंगे। अथॉरिटी पहली उड़ान ATR-72 से देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि रनवे को इस विमान की उड़ान के लिए तैयार किया गया। पहली उड़ान दिल्ली रूट पर यह मिल सकती है। और आपको बता दें कि अयोध्या एयरपोर्ट अथॉरिटी DGCA दिल्ली के साथ प्रोसेस शुरू कर चुका है। 31 जुलाई 2023 तक पहले फेज का टर्मिनल और रनवे बनकर यह तैयार हो रहा है। अक्टूबर 2023 से पहले एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाएगी और भविष्य के इस एयरपोर्ट पर 2025 तक 3 टर्मिनल बनकर तैयार भी हो जाएंगे। अलीगढ़ में भीषण गर्मी के चलते पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम के खिलाफ युवा कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस के नगर निगम के खिलाफ डुगडुगी यात्रा भी निकाली गई है। आगा यूनुस ने कहा कि जनता पानी के लिए तरस रही है, पेयजल की समस्या पर नगर निगम को चिंता तक नहीं है। कांग्रेस नेता अलीगढ़, इस वक्त हम स्मार्ट सिटी अलीगढ़ के अंदर अलीगढ़ के पुराने वार्ड सराय रहमान में हम आए हुए हैं, जो GT रोड जैसे जगह पर स्थित है। यहाँ सराय रहमान में पानी की समस्या को लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई कई दिनों से यहाँ लोगों के घरों में नगर निगम द्वारा भेजा जाने वाला पाइपलाइन से पानी वो नहीं आ रहा है। लोग पानी के बिना लोग कैसे जी रहे हैं, ये नज़ारा अगर देखना है तो ये नाकारा नगर निगम यहाँ आकर के देख ले। यहाँ 2 बूंद पानी को तरसती जिंदगी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कुव्यवस्थाओं का ये प्रतीक बन चुका है ये नगर निगम। हम ये साफ कहना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ जल निगम की जो सप्लाई, जो पाइपलाइन डाली गई, जो प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत डाली गई, उस पाइपलाइन में भी ये 1 से 1.5 साल हो चुका, यहाँ 1 बूंद पानी किसी के घर में नहीं आया, जबकि सभी घरों में कनेक्शन बना दिया गया, सबके आधार कार्ड जमा हो गए, सबके कनेक्शन जमा हो गए। और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ लोग 2 बूंद पानी को तरस रहे हैं। नाकारा नगर निगम AC के कमरों में बैठा मस्त हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ उस जल के डिपार्टमेंट से, उस GM से कहना चाहता हूँ, उस नगर आयुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ कि ये बताओ किसका जिम्मेदार कौन है कि जो 2 बूंद पानी को यहाँ जनता तरस रही है और हम सब तरस रहे हैं। हम ये साफ कहना चाहते हैं ये बर्दाश्त नहीं होने वाला। यहाँ की जनता को पानी तत्काल दिया जाए। अगर तत्काल नहीं दिया जाता, 24 घंटे के अंदर यहाँ पानी सुचारू रूप से दिन और रात में चालू नहीं किया जाता, तो हम किसी बड़े आंदोलन पर जा सकते हैं, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नाकारा नगर निगम के कानों में जो शीश है, उसको लोकतांत्रिक तरीके से, जो लोकतंत्र में जनता का अधिकार है, उसके तहत उस कानों के शीश को पिघलाने का काम किया जाएगा, क्योंकि नगर निगम के आंखों में मोतिया बिंद हो चुका है, वो कुछ देख ही नहीं रहा है। मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले आता है पानी, वो पानी तो उपलब्ध नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे आंखों पे जो पट्टी है उसको हम उतारने का काम करेंगे, जो तुमने कानों में रुई ठूसा हुआ है उसको निकालने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में, पंथ प्रधान देश में, जनता मालिक होती है और हम जनता के सेवक और तुम जनता के नौकर। मैं कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे ये समय तुम्हारा यहाँ से शुरू होता है और ये 24 घंटे के बाद यहाँ जनता का समय शुरू होगा, इसलिए 24 घंटे के भीतर यहाँ पानी को चालू किया जाए, अन्यथा
हम जो भी होगा लोकतांत्रिक विकल्प हमारे पास तैयार है और हम लोकतांत्रिक विकल्प पर जाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी तुम्हारी नगर निगम होगी। तो चलिए अब बात करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की। मथुरा में युवक ने पत्नी और उसके प्रेमी को मारी है गोली, अस्पताल में किया गया भर्ती। पत्नी के पड़ोसी थे, अवैध संबंध थे। इटावा के शादी समारोह में आया है मासूम, गायब हुआ, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, थाने में दर्ज की गई है शिकायत। अंबेडकर नगर में प्राइवेट विद्यालय के कमरे में मिला है अजला शव, शव को हत्या कर जलाने की आशंका, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। अलीगढ़ में 108 कुंडलीय यज्ञशाला एवं भागवत कथा में पड़ा है विघ्न, तेज हवाओं के साथ आई बारिश से मची अफरा तफरी, पंडाल हुआ क्षतिग्रस्त। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, मुठभेड़ में इनामी अपराधी महकू हुआ घायल, अपराधी ने 7 लाख की लूट को दिया था अंजाम। अमरोहा में डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी को दी गई है विदाई, कलेक्ट्रेट में आयोजित हुआ विदाई समारोह, राजेश त्यागी होंगे अमरोहा के नए डीएम। कासगंज में कलयुगी बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, जमीनी विवाद के चलते भाई ने भाई की करी हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। बांदा जनपद में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, खनिज विभाग के संरक्षण में सरकार को लगा रहा चूना, खदान से रोजाना निकल रहे हैं सैकड़ों ट्रक। अमेठी में संदिग्ध परिस्थिति में मिला बुजुर्ग का शव, फांसी के फंदे से लटका मिला शव, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। अंबेडकर नगर में प्रेमी युगल ने की है मंदिर में शादी, प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था प्रेमी, परिजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अलीगढ़ में मुख्य आरक्षी ने फांसी पर लटक कर दी थी जान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में असला का प्रदर्शन करते दिखा एक युवक, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल, लालगंज के मेरुई गांव का रहने वाला युवक। लखनऊ में देखने को मिला है किन्नरों का तांडव, किन्नरों के 2 गुटों में जमकर बवाल, पुलिस ने किया बीच बचाव। गोरखपुर में पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता, लुटेरों के शातिर गैंग को किया गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट लेखी बोलेरो से लूटपाट करते थे आरोपी। आगरा में चलती कार में युवक का स्टंट, युवक ने खिड़की पर बैठकर किया स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में राजस्व टीम के दरोगा ने उड़ाया है गरीब का आशियाना, चौकी इंचार्ज ने महिला के जबरन खाली करवा दी गई जमीन, थाना न्यूरिया इलाके के टोडरपुर गांव का मामला। अमरोहा में महिला का कारतूस दिखाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, महिला ने फिल्मी अंदाज में बनाया वीडियो, हसनपुर थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में हज यात्रियों के साथ हादसा, हज हाउस के बाहर खड़ी कार में बेकाबू, ट्राले ने मारी है टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।